इतने हार चुके हैं, ये देखो टी शर्ट है पसीने से पूरी गीली हो चुकी है, हालत खराब है। बोरान भाई को देख पा रहे होंगे, बोरान भाई हाथ ज्यादा खराब, हालत ज्यादा खराब हो गई है। यो गाइस, तो मैं आप जितिन जैक्सन खड़ा हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई भाई स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस ऐसा आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आप लोग कितनी वर्कआउट करते हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो आज के ब्लॉग में दिखाने वाले हैं हम हमारे बोराज भाई कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज के ब्लॉग में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होने वाली हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देखना। बस सीधे शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि लेट हो रहे हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं। सीधे हम लोग मिलते हैं आपको ट्रेडमिल पर। चलिए आज का ब्लॉग आप पूरा देखना, आपको काफ़ी मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस मैंने अभी किए 10 मिनट में 145 कैलोरी बर्न। अब देख रहे हैं सामने भयंकर हालत हो चुकी है, खराब। चलो कन्या चलते हैं आगे। गाइस फाइनली हम लोग की एक्सरसाइज हो चुकी है, 2 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं एक्सरसाइज करते करते। आप लोगों ने देखी होगी एक्सरसाइज, मतलब इंस्टेंट कार्डियो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे भाई बोलेंगे। क्या कहना, क्या कहना है? हमारे टेंथ वर्कआउट था और ऐसा वर्कआउट अगर डेली हो जाए तो आप कैसी फिजिक 1 महीने बना सकते हो? कैसी भी फिजिक्स, हाँ इतना मैं दावा दे सकता हूँ। जैसे आप लोग कमेंट में कह रहे थे कि बताइए कैसे, अगर आप ऐसी ट्रेनिंग करेंगे अपन, मतलब आपको लीन बॉडी करना है, तो आप अगर आप फोटो लगेंगे साइड में तो आप 1 महीने में कैसी फिजिक्स कर सकते हैं। तो लेकिन मेन चीज आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। हम लोग कितने हार चुके हैं, ये देखो टी शर्ट पसीने से पूरी गीली हो चुकी है, हालत खराब है। बोरान भाई को देख पा रहे होंगे, बोरान भाई हालत ज़्यादा खराब, हालत ज़्यादा खराब हुई है। लेकिन मज़ा आया बताना और कमेंट में क्या बताना हम लोगों ने कितनी कैलोरी बर्न की आज। हमने आपको प्रॉपर पूरा बताया, प्रॉपर सेट बताया, तो आप जरूर बताना कमेंट में कि हम लोगों ने कितनी कैलोरी बर्न करी होगी। चलिए थैंक यू। तो गाइस वर्कआउट इज डन, अभी चलते हैं सीधे घर पर। लेकिन हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी शिवलिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो सीधे पहुँचते हैं, कुछ डाइट लेते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर, अभी ले रहे हैं फर्स्ट मील। फर्स्ट मील में खा रहे हैं हम चने और काजू और दूध। तो गाइस अभी हम आए थोड़ा सा अपनी बार बार शॉप, थोड़ा सा डेंट पेंट कराने के लिए, तो कुछ कराते हैं फिर देखते हैं। गाइस कटिंग करा के आ चुके थे घर, अब हमें ले गए बाहर। बारिश तो मन हो रहा है थोड़ा सा पानी में भीग लेते हैं, कि मैंने इस वाले मौसम में पानी में बहुत कम भीगा, मतलब इनडायरेक्टली भीगा, मतलब मैं कहीं ट्रिप मेरे पे गया कि काम से गया तभी भीगा, वैसे रेंडमली अपने मन से नहीं भीगा। तो आज फाइनली मैं भीग लेता हूँ, थोड़ा सा मन कर रहा था, भीगना जरूरी भी रहता है। चलिए नहा धो के तैयार होकर आपसे मिलते हैं। गाइस नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं, तो अभी करते हैं अपनी सेकेंड मील। देखो भाई कमेंट में बताना गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ भाई। गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मैं अपनी डाइट बना रहा था, लेकिन यहाँ देखो हमारे घर पे बन रहे हैं रसगुल्ले। जब भी मैं डाइट पे होता हूँ तभी माँ जी बनाती हैं, यहाँ देखो रसगुल्ले बन रहे हैं। यहाँ देखो हम अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, यहाँ बढ़िया बढ़िया गोल गोल रसगुल्ले मैं खा रहा हूँ अभी। पनीर ये देखो घर, ये देखो नहा के आ गए, हम खा रहे हैं ये पनीर। 200 ग्राम पनीर है, थोड़ा सा सलाद है और ब्लैक पेपर और चाट मसाला, यही अपनी ज़िंदगी में चलिए खाते हैं, ऐसी बनती है बॉडी, किसी को बताना मत। तो गाइस आज तो गजब हो गई, मतलब जब आपको दिखा रहा था उस सुबह एक, मतलब दोपहर के 1 बजे से अभी 3 बजे तक, मतलब 4 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी तक बारिश हो रही है। देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं, आज बहुत मौसम ख़राब है। तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, अभी तक भी बारिश बंद नहीं हुई है। देखो अभी बारिश हो रही है। नीलेश जी बारिश के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया
बारिश अच्छी बात है, मौसम अच्छा हो गया तो हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सिटी घूमने के लिए, सब लोगों से मिल के आते हैं। चलिए तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं अवध कॉफी एक्सप्रेस, अभी खाए जा रहे हैं कुरकुरे। देखो भैया की तीन चटनी हूँ मैं, भैया मेरे को देखा दिखाए खा रहे हैं, तो ग्रीन चटनी, रेड चटनी और वाइट चटनी, कुरकुरे मोमोज। तो गाइस झांसी से घूम के आ चुके हैं घर। हम लोग अवध की फूड पर गए थे, वहाँ जाने के बाद थोड़ा चले हम लोग काम से, जहाँ मीटिंग थी वहाँ जाने के बाद, तो अभी आ चुके हैं घर पर। नीलेश भैया का घर, मैं भी आ चुका हूँ घर पर। रात को ऑलमोस्ट आप बताओ कितने बजे, रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं, और मैं अभी घर पहुँच रहा हूँ। देखते अभी खाने को क्या मिलता है। नीलेश भैया ने तो खा लिया, मैंने अपनी डाइट लेनी पाई, एक मैं दूध पीऊँगा और चलिए सोते हैं। तो भाई घर पर आया मैं, फ्रिज में देखा दूध ही नहीं है भाई, तो मैं 2-3 काजू खा लिए बस, बहुत है आज के लिए। मतलब मन भी नहीं हो रहा मेरा, रात को मेरा खाने का मन नहीं होता है, पता नहीं क्यों, डाइट में इतने बहुत है। और मैं कोई रॉ सप्लीमेंट भी नहीं ले रहा हूँ प्रोटीन के रूप में, तो सोयाबीन, पनीर, तोफू, चने, मूंगफली, काजू बादाम, ये सब चीज़ें ले रहा हूँ। ये आप भी ले सकते हैं, ये मेरा डेली रूटीन चल रहा है। बाहर में अगर खा भी लेता हूँ तो बाहर में चावल खा लेता हूँ, राइस वगैरह खा लेता हूँ, यही है मेरा रूटीन। चलिए अभी एडिटिंग करते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का अलविदा, मैं जितिन जैक्सन, जय हिंद जय भारत।